हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हम अपनी ए टू जेड सीरीज में पढ़ चुके हैं लेटर यू तक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर वी के बारे में पूरी डिटेल में और अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हमने इस वीडियो में इन सारे वर्ड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। देखिए, ये है हमारा लेटर वी। वी फॉर वल्चर, VULTURE, वल्चर। फ्रेंड्स, वल्चर की हिंदी मीनिंग होती है गिद्ध। V for vowels, VOWELS, vowels। फ्रेंड्स, ये हैं vowels। V for village, VILLAGE, village। फ्रेंड्स, village होता है गांव। V for violin, VIOLIN, violin। फ्रेंड्स, ये हैं violin। V for vegetables, VEGETABLES, vegetables। फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स होती हैं सब्जियां। अब हम बढ़ते हैं आगे। वी फॉर वल्चर, VULTURE, वल्चर। फ्रेंड्स, वल्चर होता है गिद्ध। ये है वल्चर। और फ्रेंड्स, वल्चर के जैसे दो और बर्ड्स होते हैं, जो होते हैं ईगल और काइट। EAGLE, ईगल, और KITE, काइट। इन दोनों बर्ड्स के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ईगल की हिंदी मीनिंग होती है बाज और काइट की हिंदी मीनिंग होती है चील। यह है ईगल और यह है काइट। अब फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका है कि वल्चर क्या होता है गिद्ध, ईगल क्या होता है बाज, और काइट क्या होता है चील। अब हम बढ़ते हैं आगे। वी फॉर वोवल्स। फ्रेंड्स, वोवल्स के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जब हम अपनी ए टू जेड सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। फ्रेंड्स, ये हैं वोवल्स। वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल पांच वोवल्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल पांच वोवल्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। वी फॉर विलेज, VILLAGE, विलेज। फ्रेंड्स, विलेज की हिंदी मीनिंग होती है गांव। क्या होती है विलेज की हिंदी मीनिंग? गांव। विलेज की हिंदी मीनिंग होती है गांव। और फ्रेंड्स, आपका एक होमवर्क है, आपको शहर की इंग्लिश में मीनिंग बताना है कि शहर का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। यह है आपका होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं आगे। वी फॉर वायलिन, VIOLIN, वायलिन। फ्रेंड्स, ये है वायलिन, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है वायलिन? एक फ्रेंड्स, वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और फ्रेंड्स, हमने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था, जो था गिटार। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जो था गिटार। तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देख लेना। अब हमने एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, जो है वायलिन। अब हम बढ़ते हैं आगे। V for vegetables, VEGETABLES, vegetables। फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स की हिंदी मीनिंग होती है सब्जियां। वेजिटेबल्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सब्जियां। फ्रेंड्स, ये है वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली वीडियोस में कई वेजिटेबल्स नेम पढ़ चुके हैं। तो आपका एक होमवर्क है कि हमने कौन कौन से वेजिटेबल्स नेम हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़े थे, वो आपको बताने हैं। जैसे हमने पढ़ा था पोटैटो, टोमेटो, और भी बहुत सारे हमने वेजिटेबल्स नेम पढ़े थे, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं वेजिटेबल्स नेम। फ्रेंड्स, आपका एक होमवर्क है। फ्रेंड्स, हमने बिफोर वल्चर पढ़ लिया, जो होता है गिद्ध। हमने बिफोर वोवल्स पढ़ लिया, वोवल्स कितने होते हैं? पांच। हमने बिफोर विलेज पढ़ लिया, विलेज, विलेज होता है गांव। हमने बिफोर वायलिन पढ़ लिया, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमने बिफोर वेजिटेबल्स पढ़ लिए, वेजिटेबल्स होते हैं सब्जियां। अगर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नए लेटर डब्ल्यू की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।